नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि, जीएसटी बिल राज्यसभा में पास। आजादी के बाद देश में कर क्षेत्र के सबसे बड़े सुधार का मार्ग प्रशस्त करते हुए राज्यसभा ने बुधवार को बहुप्रतीक्षित जीएसटी विधेयक को संपूर्ण समर्थन के साथ पारित कर दिया। जीएसटी कर प्रणाली के अमल में आने से केंद्र और राज्य के स्तर पर लागू विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर इसमें समाहित हो जाएंगे और पूरा देश दुनिया का सबसे बड़ा साझा बाजार बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में जीएसटी विधेयक पारित किए जाने पर सभी दलों के नेताओं और सदस्यों का आभार व्यक्त किया और इसे सही मायनों में एक ऐतिहासिक क्षण और सहयोगपूर्ण संघवाद का सबसे अच्छा उदाहरण बताया। उद्योग जगत ने राज्यसभा में जीएसटी के पारित होने का स्वागत किया और कहा कि इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और कारोबार की सुगमता बढ़ेगी। राजनाथ ने महात्मा गांधी से की अटल जी की तुलना। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बीच समानता की तुलना करते हुए कहा कि वाजपेयी आजाद भारत की एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत हैं जिनका कई पीढ़ी के लोग राष्ट्रपिता की तरह सम्मान करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आजादी के पूर्व और बाद के काल में भारत में महात्मा गांधी को लोगों के बीच जिस तरह का सम्मान मिला, अगर आप आजाद भारत की राजनीति को देखें तो वाजपेयी महात्मा गांधी की तरह की शख्सियत है। आने वाली कई पीढ़ियां उनका सम्मान करेंगी। सिंह ने यहां एक कार्यक्रम में वीडियो संदेश में ये टिप्पणी की, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री की हार नहीं मानूंगा एक अटल जीवन गाथा का विमोचन हुआ। महंगा पड़ेगा नियम तोड़ना, बच्चे से हुआ हादसा तो पिता जिम्मेदार। मोदी सरकार ने बहुप्रतीक्षित मोटर यान संशोधन विधेयक 2016 को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी, जिसमें यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना और हिट एंड रन मामलों के लिए 2,00,000 रुपए तक का मुआवजा शामिल है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़कों को सुरक्षित बनाने और लाखों निर्दोष लोगों की जान बचाने की दिशा में ये एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि विधेयक के प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित है और इसमें निर्धारित गति से तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने पर 1,000 से 4,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में ये प्रावधान भी किया गया है कि किशोरों द्वारा वाहन चलाते समय सड़क दुर्घटना के मामले में वाहन मालिक अथवा अभिभावक को दोषी माना जाएगा, वहीं वाहन का पंजीकरण भी रद्द कर दिया जाएगा।